यही है वो प्राचीन कुआं जिसकी खुदाई यहाँ पर शुरू करी थी, और इसमें से प्राचीन मूर्तियाँ निकली हैं। कुछ कार्तिकेय जी हैं, ये देखिए कितनी प्राचीन शैली की गणेश जी की मूर्ति है, और मुझे नहीं पता था इसका सिर भी खंडित हो रखा है। इसको यहाँ पे रख देते हैं। इन्हें भव्य स्वरूप है इस मंदिर का अंदर से। ये मंदिर के ऊपर का बुर्ज है जो पता नहीं कितने सदियों पुराना है, और यहाँ पे एक छोटा सा आना दिया गया है जो काफी गहराई तक अंदर तक जाता है। 35 साल तक मंदिर बंद रहा जिसके कारण से यहाँ पर कोई दर्शन करने नहीं आ पाया, लेकिन पंडित अमित जीवनकांत वत्स जी के दृढ़ निश्चय, साहस और जिजीविषा के कारण और धर्म के प्रति उनके प्रेम के कारण उन्होंने इस मंदिर को फिर से खुलवा दिया है, शासन प्रशासन का सहयोग प्राप्त किया है, और हम यही चाहते हैं कि अब ये मंदिर हमेशा ऐसे ही खुला रहे, इसके अंदर और भी विकास कार्य हों, और आने वाले समय में सभी भक्तजन यहाँ पर आकर ऐसे ही भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें, उनकी पूजा करने का सौभाग्य उन्हें मिल सके। हर हर महादेव, जय शंकर की। बीट बाग की वाला गोटेश्वर महादेव मंदिर है। कभी प्राचीन समय में इसका बहुत विशाल, बहुत बड़ा इतिहास भी था, इसकी संपत्ति भी बहुत थी, लेकिन मराठा कालीन मंदिर है। ये मराठाओं का जो भारत में इधर और उसी शैली में बना हुआ है, उसी नागर शैली में बना हुआ है। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे द हिंदू फैमिली ब्लॉग्स में। आज मैं आपको ऐसा प्राचीन मंदिर दिखाने जा रहा हूँ जो 35 साल बंद रहने के बाद किसी के अथक प्रयास के द्वारा फिर से खोला गया है। ये मराठा कालीन शैली में मंदिर बना हुआ है और इसका नाम है श्री गोटेश्वर महादेव मंदिर। अभी हम मंदिर प्रांगण में पहुँच चुके हैं और यहाँ पे अब जो प्राचीन कुआं है उसकी खुदाई की गई है, जिसमें से बहुत ही प्राचीन मूर्तियाँ निकली हैं। कुछ खंडित अवस्था में हैं और कुछ सही सलामत हैं। प्राचीन शिवलिंग और एक बहुत ही दिव्य शंख भी यहाँ से प्राप्त हुआ है कुएं की खुदाई से। तो आइए मेरे साथ चलिए इस यात्रा में। आज यहाँ मंदिर में जो खंडित मूर्तियाँ निकली हैं उसके प्राश्चित के लिए हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। उन मूर्तियों के प्राश्चित के लिए यहाँ पे शांति पाठ और हवन किया जाएगा, और साथ में आपको उन दिव्य मूर्तियों के दर्शन भी मैं कराऊंगा। वैष्णो ध्रुवसी वैष्णवमसी विष्णवे अग्निर्देवता वातो सूर्यो देवता चंद्रमा देवता। तो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं बाग शिवाला गोटेश्वर महादेव मंदिर, और अभी जो कुएं की खुदाई यहाँ पर चल रही है मैं आपको दिखाता हूँ। यही है वो प्राचीन कुआं जिसकी खुदाई यहाँ पर शुरू करी थी, और इसमें से प्राचीन मूर्तियाँ निकली हैं। कुछ खंडित अवस्था में हैं और कुछ बिल्कुल सुरक्षित हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी मूर्तियाँ इसमें से निकली हैं। ये देखिए नंदी जी की मूर्ति है, साथ में खंडित अवस्था में एक मूर्ति और है जिसकी पहचान करना भी तो बहुत मुश्किल हो रहा है। और मूर्तियों के प्राश्चित के लिए आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ये एक बहुत ही प्राचीन शैली की मूर्ति का कोई मुख है, लेकिन पहचान में नहीं आ रहा है कौन सी मूर्ति है। ये प्राचीन नर्मदेश्वर शिवलिंग प्राप्त हुआ है यहाँ से। कार्तिकेय भगवान जी हैं, माता पार्वती हैं, देखिए हनुमान जी हैं, दीपा। दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ, यही वे प्राचीन शंख है जो खुदाई में से प्राप्त हुआ है। बाद में इसकी ध्वनि भी सुनाऊंगा आपको। इसको शुद्ध करके दोबारा से पूजन करके मंदिर में स्थापित कर दिया गया है।
श्री अमित जीवनकांत वत्सित जी के नेतृत्व में मंदिर समिति इस प्राचीन मंदिर का रखरखाव कर रही है। ब्राह्मण समाज यहाँ पर एकत्र है, थोड़ी देर में मीडिया भी यहाँ पर पहुँचने वाली है और सामने आपको मंदिर के दर्शन में करवा रहा हूँ। देखिए कितनी प्राचीन शैली का मंदिर है, कितना पुराना यहाँ पर पीपल का पेड़ है। मंदिर का बुर्ज तीन साइड से इधर से नहीं दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ से दिखाने की कोशिश करूँगा। और चलिए चलते हैं मंदिर के भीतर। कितने प्राचीन खंभे हैं जिनके ऊपर ये मंदिर खड़ा हुआ है। और अब मैं आपको दिखलाऊंगा कैसी नक्काशी इस मंदिर के ऊपर की गई है। इसकी दीवारों पे पता नहीं कितने 100 वर्ष पुराना ये रंग है जिसको अब संजोने की जरूरत है। यही हमारी धरोहर है, इसको संरक्षित करने की जरूरत है अब हमको। ये मराठा कालीन शैली में जैसा मुझे पता चला है मंदिर का निर्माण किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मंदिर का जो गर्भगृह के बाहर का द्वार है उसमें भी कितने खूबसूरत तरीके से रंग किया गया है। मंदिर समिति ने मंदिर में रंग तो करवाया है, लेकिन ये जो विशेष कलाकृतियाँ यहाँ पर पुरानी बनाई गई हैं इनको बिल्कुल भी नहीं छुआ, जिससे ये यहाँ पर सहज के रखी जा सके और आने वाली पीढ़ियों को इसके दर्शन प्राप्त हों। और अब हम गर्भगृह में चल रहे हैं। ये है गोटेश्वर महादेव शिवलिंग, कितना भव्य स्वरूप है। बगल में नंदी जी हैं और साथ में नाग देवता भगवान शिव के ऊपर छत्र बनाकर बैठे हैं। मंदिर समिति के द्वारा अंदर टाइल का काम किया गया है, लेकिन अभी मैं आपको इसकी ऊपर की छत भी दिखलाऊंगा। और ये देखिए आप कितने सुंदर रंग उस समय पे किए गए थे और सभी प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया होगा, क्योंकि उस समय पे तो केमिकल का उपयोग ही नहीं होता था। देखिए मैं नज़दीक से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, सुंदर छवि दीवार पर उकेरी गई है। भगवान विष्णु नहीं, ये भगवान शंकर है जो भगवान विष्णु की तरह शेष सैया के ऊपर विराजमान है। आप देख सकते हैं क्योंकि सिर पे चंद्रमा विराजित है, हाथ में डमरू है, बगल में नंदी भगवान है, पार्वती माता उनकी सेवा कर रही हैं, उनका वाहन सिंह बगल में बैठा हुआ है और हनुमान जी के हाथ में ध्वजा है, ऊपर शायद कार्तिकेय भगवान जी हैं। तो शिव परिवार का कितना सुंदर और भव्य चित्रण इस प्राचीन कलाकृति में किया गया है, आप स्वयं देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर, अद्भुत और विस्मित करने वाली यह कलाकृतियां हैं। देखिए दोस्तों, ये मंदिर की बाहर की दीवार है जो प्राचीन शैली का पूरा मंदिर ये बना हुआ है। ऊपर बुर्ज के ऊपर धर्म ध्वजा फहरा रही है और मैं आपको दिखाता हूँ अब यहाँ पे जैसे विकास कार्य किए जा रहे हैं, सुंदर सुंदर पेड़, इधर कुछ कमरों का निर्माण किया गया है, केले के पेड़ लगाए गए हैं, विभिन्न प्रकार की हरी वनस्पतियाँ यहाँ पे लगाई गई हैं। देखिए ऐसे प्राचीन शैली के मंदिर अब ढूंढने से भी नहीं मिलते और हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसे मंदिरों का संरक्षण करें। नए मंदिरों का निर्माण तो हम करवा रहे हैं, लेकिन जो हमारे पुराने सिद्ध प्राचीन सिद्ध पीठ हैं जिनमें हमारे देवी देवता विराजते हैं, उनके लिए उचित व्यवस्था करने की हमें ज़रूरत है। ये यहाँ से भगवान शिव की जलेरी का पानी जो बाहर आता है और इसको मैं लांग कर नहीं जाऊँगा, क्योंकि यहाँ से इसको लांगना मना होता है, तो हम यहीं से वापस हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं अब आपको मिलवाता हूँ
पंडित अमित जीवनकांत वत्स जी से, जिनके साहस के कारण ही ये मंदिर 35 वर्षों के बाद फिर से खुल पाया है। आगे की कथा हम इन्हीं से जानेंगे कि किस प्रकार से इनको इस मंदिर के बारे में पता चला, कैसा कैसा प्रयास इनको करना पड़ा इस मंदिर को फिर से खुलवाने के लिए और सभी के दर्शनों के लिए, इसको सुलभ बनाने के लिए। तो अमित जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम आचार्य अमित जीवनकांत वत्स है। मैं एक व्यापारी भी हूँ, व्यापार मंडल का जिला महामंत्री भी हूँ। जब ये मंदिर पहली बार देखा गया, इसकी स्थिति बहुत खराब थी, दयनीय थी, और ये बिल्कुल अगर 10-5 साल और ना इस पे ध्यान दिया जाता तो ये गिर जाता, टूट जाता। तो 2010 से इसका प्रयास चल रहा था, बार बार प्रयास विफल भी हो रहा था, लेकिन 2020-11 दिसंबर को ये प्रयास जो है सफल हुआ। सफल होने के बाद ये मंदिर खुला। खुलने के बाद एक युद्ध स्तर पे हमारे सामने एक बहुत बड़ी ऐसी स्थिति थी कि मंदिर खुल तो गया, लेकिन इस मंदिर को कैसे इसकी गरिमा तक पहुंचाया जाए जी, ये हमारा मेन उद्देश्य था और बहुत बड़ा पॉइंट था ये हमारे जीवन में। तो हमने यहाँ पर अपने कुछ मित्रों से, कुछ व्यापारी बंधुओं से एक सहायता मांगी। कुछ लोग जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे, उन्होंने मेरा सहयोग किया। सागर कैली में दक्षिण भारत में हमारे मंदिरों का निर्माण होता है जी, इसमें इस तरह के गुप्त तहखाने भी हैं, बताए जाते हैं वो, लेकिन अभी हम उसे खोल नहीं पाए क्योंकि धीरे धीरे भी, क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। पैसा धीरे धीरे जो आ रहा है, जो हम अपनी जेब से इकट्ठा करके लगाते हैं, देखेंगे अभी उसे भी खोलेंगे। लेकिन अब तो जब से कुएं में, प्राचीन कुआ था, इसे मन में एक भाव था कि इसमें इसको दोबारा से शुरू किया जाए, इसमें जल निकालने के लिए हमने ये कार्य शुरू किया था और भगवान शंकर ही प्रेरणा दे रहे थे ये सब चीज़ें। मन में बहुत समय से व्याकुल था कि इस मंदिर में कैसे कुएं को खुदवाया जाए, तो बंदे नहीं मिल पा रहे थे। तो हमें किसी ने बताया कि मंदिर में जो है, हम जो कुआ है उस कुएं को हम खुदवा सकते हैं। तो खुद ने आए तो यहाँ पे मूर्तियाँ निकलनी शुरू हुई। तो मूर्तियाँ निकलने के बाद यहाँ पर लोगों का जमावड़ा हो गया, प्रशासन आ गया, प्रशासन के लोगों ने, सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने और SDM सदर ने ये बोल दिया, जो अगली खुदाई होगी वो पुरातत्व विभाग करेगा। अब उन्होंने लिख के दे दिया। अब हमने खुदाई वगैरह यहाँ पर रुकवा दी थी उसी दिन। अब देखते हैं, उनका इंतजार है कि वो अब इसमें क्या निकलेगा, क्या निकलेगा। तो अमित जी, जैसा कि हमें पता चला, बहुत ही अच्छा कार्य आप कर रहे हैं, बहुत साहस है इस कार्य को करने के लिए आपके अंदर, और दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है, और अपने धर्म के प्रति प्रेम की भावना दिल में बहुत गहराई तक होनी चाहिए, तभी कोई इस इतने बड़े कार्य को कर सकता है, क्योंकि ये भगीरथी प्रयास ही है मेरी नज़र में। अन्यथा इस कार्य को करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि दूसरे समुदाय के, पूरी बस्ती के बीच में ये मंदिर घिरा हुआ है, जैसा कि मैं अपनी ऑडियंस को बता देना चाहता हूँ, और चारों तरफ से सिर्फ एक अकेला यही एक हिंदू मंदिर यहाँ पे विद्यमान है इस समय। तो यहाँ पे आना और इस मंदिर का फिर से पुनर्निर्माण करवाना, इसको फिर से प्राण देना, ये अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है। तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आपके साथ जो मंदिर समिति जुड़ी हुई है, चाहे उसमें त्यागी जी हैं, वर्मा जी हैं, अध्यक्ष हैं अनिल त्यागी जी, उनका बड़ा योगदान वो है, बिल्कुल वो सभी बहुत बधाई के पात्र हैं। आप तो स्वयं हैं ही, और पुजारी एकता परिषद भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस पुनीत कार्य में सहभागिता करेगा। आप जब भी कहेंगे, जहां भी कहेंगे, पुजारी एकता परिषद सहारनपुर आपके साथ उपस्थित है। आप सब लोगों से भी यही विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में गोटेश्वर महादेव बाबा के दर्शन कीजिए, यहाँ पर आइए, और इसका पूरा एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा। यहाँ पर आइए, भगवान शिव की कृपा प्राप्त कीजिए, और अपने पुराने मंदिरों के संरक्षण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए।